हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होती क्या है, तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है और इस पे कौन कौन सी कॉम्पोनेंट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कॉम्पोनेंट्स क्या होती है और इस रेफ्रिजरेटर के लिए हम कौन कौन सी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, इसके लिए हमने लिखा हुआ है H3, मतलब एमोनिया, हाइड्रोजन और पानी, वाटर। इस तीनों सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ये तीनों सब्सटेंस हैं। ओके, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है हम देख लेते हैं। ये जो है ये जनरेटर है। हर कंपोनेंट की हम वर्किंग प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं। ओके, ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर है, ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, ये इवापोरेटर है, और ये है एब्जॉर्बर, ये होता है हीट एक्सचेंजर, इसे हमने शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया है। ओके, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर कहीं पर भी पंप नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया है कि ये जो पूरी साइकिल जो रोटेशन करेगी, ये पूरे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए काम करेगी। ओके, तो हमने कंपोनेंट्स ले लिया है, ये कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं। और ये जो है ये बर्नर है, जहाँ से हम हीट सप्लाई करेंगे जनरेटर। ओके, यहाँ पर क्या स्टे करती है? यहाँ पर वीक एमोनिया की सोल्यूशन यहाँ पर स्टे करती है, और इस पर हम बुनसन बर्नर, मान लीजिए कि ये बर्नर है, और इसकी फ्लेम से हम हीट को सप्लाई करते हैं इस जनरेटर पर। इस जनरेटर पर जब हम हीट सप्लाई करेंगे, तो एमोनिया की जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगी वो वेपराइज हो जाएंगे, और वेपराइज होने के बाद एमोनिया की वेपर प्रोड्यूस होंगे, और उसके साथ और पानी के भी कुछ वेपर प्रोड्यूस होंगे जो एमोनिया की वेपर के साथ मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से ये वेपर, उसी वेपर जो एमोनिया की वेपर है, वो उसके बाद रेक्टिफायर पे जाएंगे। ओके, फ्लो पे जाएंगे। तो दोनों वेपर, क्योंकि उसके साथ तो हमें चाहिए सिर्फ एमोनिया की वेपर, यहाँ पर एमोनिया होते हैं, एमोनिया प्लस H2O, ये दोनों की सोल्यूशन होते हैं। पानी की एमोनिया को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन लो टेम्परेचर, जब पानी की टेम्परेचर लो होगी। तो इसकी टेम्परेचर लो है, मतलब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, तो इसकी टेम्परेचर लो है, इसलिए हमें इसे बर्नर से हीट सप्लाई करना पड़ा कि ये वेपराइज होकर वेपर प्रोड्यूस करें। पानी की वेपर और एमोनिया की वेपर जब रेक्टिफायर पर जाएंगे, तो वहाँ से रेक्टिफायर क्या करेंगे, उस पानी की वेपर और एमोनिया की वेपर दोनों को सेपरेट कर देंगे, और पानी की वेपर जो होंगे वो ठंडी होके फिर से आके उस सॉल्यूशन पे मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे मिक्स हो जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन वीक बन जाएगी। तो जब वेपर जब प्रोड्यूस होंगे, तो उसकी टेम्परेचर होगी हाई और प्रेशर भी होंगे हाई। ओके, ये वीक हॉट एमोनिया की सोल्यूशन जो हीट एक्सचेंजर पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और ये जो है एब्जॉर्बर, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी एमोनिया की वीक सोल्यूशन स्टे करेगी, और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस स्टे करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है लाइटिंग है, मतलब हल्की है, और इसकी हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी हाई होती है। तो इस रेक्टिफायर से एमोनिया डायरेक्ट जाएगी कंडेंसर पे, जिसकी टेम्परेचर हाई है और प्रेशर हाई है। तो यही सॉल्यूशन, यही वेपर एमोनिया की वेपर, यानी स्थिर वेपर है, वो कंडेंसर पे एंटर करेगी। तो कंडेंसर पे एंटर करने के बाद तो ये कुछ इस तरह से ट्यूब के साथ अंदर से आएगी, और कंडेंसर जो है कोल्ड वाटर की रोटेशन के ज़रिए, मतलब यहाँ पर कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से एडजस्ट करेगी। तो यहाँ से कोल्ड वाटर के ज़रिए
इस लिक्विड की जिसकी टेम्परेचर हाई है और प्रेशर हाई है, इस लिक्विड की टेम्परेचर को मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे इस कोल्ड वाटर। ओके, ये कोल्ड वाटर है। ठीक है, यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर करेगी और इसकी हीट एब्जॉर्ब करके बाहर एग्जॉस्ट हो जाएगी। ओके, तो इससे जब इसकी जब हीट को एब्जॉर्ब कर ली जाएगी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली लिक्विड की वेपर की तो वही वेपर लिक्विड फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही लिक्विड फॉर्म पे कन्वर्ट होने के बाद वही लिक्विड ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इवापोरेटर पे आके एंटर कर जाएगी। ओके, इवापोरेटर पे आके एंटर करने के बाद वही जो लिक्विड है इसकी टेम्परेचर हाई थी, उसकी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर लो हो गई और हाई प्रेशर है। जब यहाँ पर इवापोरेटर पे आ गए जिसकी प्रेशर फॉल कर चुकी है यानी ठंडी होने के बाद कोल्ड होने के बाद, तो उसकी प्रेशर जैसे ही लो हो चुकी तो वही लिक्विड यहाँ पर आके इवापोरेटर की हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है क्योंकि हल्की है, यहाँ पर हल्का था, यहाँ हल्की है, तो हाइड्रोजन गैस जो करेगी वही क्या करेगी, यहाँ पर इवापोरेटर पर स्टे कर लेगी, एंटर करेगी, क्योंकि यहाँ से जब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एमोनिया की स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जब वो लिक्विड फॉर्म पे आ गए तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर भी आ गया हाइड्रोजन। ओके, और इवापोरेटर पे एमोनिया गैस आने के बाद इसकी जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हाइड्रोजन जो है एमोनिया के साथ मिक्स होने के बाद एमोनिया की हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देगा, तो जल्दी जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी उस लिक्विड। जैसे वो जल्दी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी एमोनिया की लिक्विड तो वो ड्राई वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ड्राई वेपर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ड्राई हो जाएगा, ड्राई वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही ड्राई वेपर जो करेंगे क्या होगा, इस ट्यूब के ज़रिए वो आके यहाँ पर है वीक सोल्यूशन NH3 और H2O की जो वीक सोल्यूशन है एमोनिया इसके साथ आके डिजॉल्व होने के बाद, क्योंकि कोल्ड है ये कोल्ड एमोनिया यहाँ पर आएगी, तो यही एमोनिया क्या करेगी, यही एमोनिया जब पानी पे डिजॉल्व हो गए तो हाइड्रोजन क्या है, हल्की गैस है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी ऊपर आके स्टे कर लेगी, तो हाइड्रोजन ऐसी रोटेशन करेगी, हाइड्रोजन की रोटेशन ऐसी ही होगी। ओके, इसकी ऐसी होगी, इसकी प्रेशर जो होगी, इसकी प्रेशर जो होगी वह कॉन्स्टेंट होगी यहाँ पर प्रेशर रिलीज करने के बाद। तो यहाँ पर कोल्ड, एक कोल्ड है, तो यहाँ पर कोल्ड सोल्यूशन एमोनिया और पानी की है, ये हॉट है, ये हॉट सोल्यूशन है, कोल्ड सोल्यूशन दोनों में मिक्स होने के बाद ये हॉट एमोनिया की स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आके फिर से जनरेटर पे स्टे करेगी, तो इसकी साइकिल ऐसे ही रोटेशन करती रहेगी। ओके, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, एक मिनट आपका समय लूँगा स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जनरेटर है जहाँ पर एमोनिया और पानी की स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन स्टे करती है और इसकी टेम्परेचर जो है थोड़ी सी लो होगी, तो इसको वेपराइज करने के लिए हम यहाँ से बर्नर से हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने के बाद ये सोल्यूशन वेपराइज हो जाएगी, वेपराइज होने के बाद इसकी एमोनिया और पानी दोनों ही वेपर हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों पानी और एमोनिया की वेपर जिसकी टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई हो जाएगी तो वो जाके यहाँ पर रेक्टिफायर पे एंटर करेगी, तो रेक्टिफायर क्या करेगी, एमोनिया से पानी की वेपर को अलग कर देंगे और सिर्फ एमोनिया की वेपर जिसकी टेम्परेचर हाई और प्रेशर है वो जाके कंडेंसर पे एंटर करेगी। तो कंडेंसर क्या करेंगे, कोल्ड वाटर की रोटेशन करवा के एमोनिया की वेपर की हीट को उससे एब्जर्व कर लेगी, तो जैसे उसकी हीट एब्जर्व कर ली गई इसकी टेम्परेचर फॉलो कर जाएगी, क्योंकि तो यहाँ पर इसकी टेम्परेचर इसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेने के बाद तो ही वेपर जो है जिसकी टेम्परेचर हाई थी वो लिक्विड फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो वही लिक्विड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो आके एवापोरेटर पे एंटर करेगी। एवापोरेटर पे जब आई तो उसकी टेम्परेचर जो है एटमोसफेरिक टेम्परेचर से भी लो हो जाएगी, क्योंकि हाई प्रेशर पे उसकी टेम्परेचर लो हो चुकी, जब उसकी प्रेशर फॉल करेगी तो उसकी टेम्परेचर और भी फॉल कर जाएगी, तो ही जब टेम्परेचर जब फॉल कर चुकी तो ही लिक्विड आके एवापोरेटर से एवापोरेटर की हीट एब्जॉर्ब करने लगेगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है जो एब्जॉर्बर पे है वो क्या करेगी, वो भी एवापोरेटर पे आ जाएगी, और हाइड्रोजन गैस की टेंडेंसी क्या है, वो हीट एब्जॉर्ब की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है, तो आके वो एमोनिया को हीट एब्जॉर्ब करने पर उसकी मदद करेगी।
मतलब एमोनिया जल्दी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगी इवापोरेटर में, मतलब किसी भी क्लोज स्पेस यदि अगर होगा, ये अगर एक क्लोज स्पेस होगा तो इसकी टेम्परेचर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब, मतलब उसकी हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और वो स्पेस बहुत ही जल्दी कोल्ड हो जाएगा, तो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ड्राई वेपर पे कन्वर्ट हो गया, वही वेपर वहाँ के ड्राई ड्राई तो है उसके साथ कोल्ड भी है, वही वेपर आके यहाँ पर एमोनिया की सोल्यूशन जो वीक है उसके साथ आके डिजॉल्व हो जाती है, एमोनिया आके पानी के साथ डिजॉल्व हो जाती है, मतलब मिक्सिंग हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वो हल्की गैस है तो ऊपर जाके स्टे कर लेते हैं, मतलब यहाँ से इसकी हाइड्रोजन की रोटेशन चलती है, तो यहाँ से एब्जॉर्बर जो है और यहाँ पर जब इसकी सोल्यूशन जब वीक हो चुकी है क्योंकि यहाँ से एमोनिया गैस वेपर हो गए और पानी के कुछ सब्सटेंस वेपर होने के बाद रेक्टिफायर से वापस आके फिर से इसके साथ मिक्स हो गई तो इसकी सोल्यूशन जो है वीक हो जाएगी, तो यही हॉट वीक सोल्यूशन यहाँ पर हीट एक्सचेंजर लगा होता है, ये हॉट वीक सोल्यूशन यहाँ से कोल्ड एमोनिया की सोल्यूशन यहाँ पर आके दोनों में हीट एक्सचेंज होगी और यहाँ से हॉट स्ट्रॉन्ग एमोनिया की सोल्यूशन आके जनरेटर पे एंटर करेगी, तो ये सॉरी तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा और इसे आप कुछ सीख पाए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरी चैनल हेल्प बाय मी के साथ आप जुड़ सकते हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो सकते हो ऐसे ही न्यू अपडेट वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।